Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो. I wanted to just say one thing. Like when I was today, when I prayed for in the meeting. मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आज जैसे ही मैं मीटिंग के लिए प्रार्थना कर रहा था. So at that time, after when the song was beginning, I was thinking some thought came into my mind. और जैसे ही गीत की सेवा शुरू हुई थी, तब मेरे मन में ऐसे कोई विचार आए थे. Then I suddenly realized that it was a proud thought. और तब मुझे एहसास हुआ कि जो विचार था वो एक घमंड रखने वाला विचार था. And I realized how subtle pride can be. और तब मुझे एहसास हुआ कि कितनी चतुराई से घमंड जो है हमें प्रवेश करता है. I repented of it and I again was singing the song. और जैसे मैं गाना गा रहा था तो मैंने उस बात से मन फिराया. Again slowly pride was coming in my mind. और देखता हूँ कि बहुत ही हल्के से बिना कोई आहट के वो जो घमंड है मुझमें फिर से प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था. I think I realized that if I have pride, I cannot worship Him because that message and that song doesn't give you that joy. और तब मुझे ये भी एहसास हुआ कि जब तक मुझमें वो घमंड है तो मैं आराधना नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो संदेश में और गीत का जो आनंद है उसे भी मैं लुटा नहीं सकता. I was listening to a preacher recently. और हाल ही में मैं एक प्रचारक को सुन रहा था. And he saying that he said that he was since the age of 11 that preacher had been addicted to a sin. और उस प्रचारक ने बताया कि उसके 11वें साल की उम्र से वो एक पाप में लगा था और उसके चंगुल में था और फंसता रहता था. Pornography. और वो है अश्लील चित्रों को देखना. And when he after he got married, he was still addicted to that sin. और उसकी शादी होने के बाद भी उस पाप के गिरफ्त में वो लगातार रहता था. And he once he had after in 3 years after his marriage, he confessed to a man of God about his sin. और उसकी शादी की 3 साल के बाद उस पाप को लेकर उसने एक धार्मिक मनुष्य के पास जाकर उस पाप को कबूल किया. And he prayed, that person prayed for him, but still nothing happened. और उस व्यक्ति ने इसके लिए प्रार्थना किया, लेकिन फिर भी उससे वो छूटा नहीं. So then this preacher he began to ask God, Lord, I want to know you. He said, Jesus, I want to know you intimately. और तब वो प्रचारक ने परमेश्वर से कहा कि यीशु, मैं तुझे बहुत ही करीबी से तुझे जानना चाहता हूँ, पहचानना चाहता हूँ. And this became his prayer. He started praying, Lord, I want to know you intimately more and more. और यही प्रार्थना उसका लगातार उसके मुंह से निकलते रहा और वो कहने लगा कि परमेश्वर, मैं तुझे और करीब से और अधिक जानना चाहता हूँ. And after 9 months, he went on a 4-day fast. और 9 महीनों के बाद वो एक 4 दिन के उपवास में चला गया. And the 4th day is his testimony that God set him free from that sin permanently. और फिर उसके चौथे उपवास के चौथे दिन में उसकी गवाही रही कि परमेश्वर ने उसे पूरी तरह से उस पाप से छुड़ा दिया. So I realized that in order for me to overcome sin, I cannot just use my willpower and say I won't do this or I'll go to hell. That's why I won't do this. No, I need to know Jesus in my heart. तो तब मुझे ये एहसास हुआ कि यदि मैं पाप के चंगुल से छूटना चाहता हूँ तो अपने खुद के सामर्थ्य से नहीं, और ना ही इसलिए कि मैं नरक में जाऊँगा इसलिए मुझे पाप से छूटना है, लेकिन इसलिए कि मैं परमेश्वर को और करीब से और अधिक जानना चाहता हूँ. John chapter 17. और यूहन्ना उसका 17वां अध्याय. Verse 3. उसका 3रा वचन. It is mentioned here, this is eternal life, that they may know you, the only true God and Jesus Christ whom you have sent. और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने. So if I know my Father in heaven, if I know Jesus Christ and if I know my Father. और इसलिए यदि मैं जो मेरा पिता जो स्वर्ग में है और यीशु मसीह को यदि मैं जानता हूँ. I'll begin to realize how good he is and how loving he is. तब मैं इस बात को मुझे एहसास हुआ कि मेरा परमेश्वर कितना भला है, कितना अच्छा है. Even Jesus says, you know, I am the bread of life. He who feeds on me will never starve. He who drinks the water which I give him will never thirst. और यीशु मसीह खुद भी कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मुझसे खाता है वो कभी भूखा नहीं रहेगा, जो मुझसे पीता है वो कभी प्यासा नहीं रहेगा. So I believe I must. This has become my prayer now, Lord. I want to know you intimately. और तो मुझे विश्वास हुआ कि ये प्रार्थना जो है मेरा भी प्रार्थना बनना चाहिए कि मुझे परमेश्वर तुझे और करीब से और अधिक से मैं जानना चाहता हूँ. And I would encourage you also to pray the same prayer if this is spoken to you. और मैं तुम्हें भी प्रोत्साहित करूँगा कि ऐसा ही प्रार्थना तुम भी कहो कि यदि तुम्हें लगता है कि ये वचन तुमसे बातें कर रहा है.
I want to know God. So this Bible is not for us to know the Bible, but it is for us to know Jesus. और ये पवित्र शास्त्र जो हमारे पास है, वो सिर्फ पवित्र शास्त्र के वचन को सिर्फ जानने के लिए नहीं, लेकिन यीशु मसीह को जानने के लिए है। And the one who will lead us to Jesus is the Holy Spirit. और जो हमें यीशु के पास ले जाएगा, वो है पवित्र आत्मा। So we need to know God completely. We need to ask our Lord, I want to know you, Father. I want to know you, Lord Jesus. I want to know your communion, Holy Spirit. और इसलिए हमें वचनों को इसलिए जानना है और कहना है कि पिता, स्वर्गीय पिता, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, यीशु मसीह तुम्हें मैं जानना चाहता हूँ, और पवित्र आत्मा की संगति को मैं जानना चाहता हूँ, अनुभव करना चाहता हूँ। It's written in 1 John, right? He who says he loves God, but hates his brother, he doesn't know God, he doesn't love God, he's a liar. और जैसे पहला यूहन्ना में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वो परमेश्वर से प्रेम करता है और अपने खुद के भाई से वो नफरत करता है, तो वो झूठा है और परमेश्वर को उसने जाना ही नहीं। Even as brother Swami said, when Jesus said to the people who went to hell, depart from me, I never knew you. और जिस तरह से हमारे भाई ने अभी संदेश दिया था कि जब लोगों ने जाके परमेश्वर से कहा कि तेरे नाम से हमने ये किया वो किया, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तुम कुकर्म करने वाले, मुझसे दूर चले जाओ। How do we know God? Through His Holy Spirit, through His Word, through His people, through His circumstances, through our corrections, through our trials. When we go through these things, God begins to show us His nature. He begins to show us His love for us. और हम परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं? उसके वचन के जरिए से, पवित्र आत्मा के जरिए से, हमारे आसपास के जो भाइयों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है उसके जरिए से, जो हालात से हम गुजरते हैं, जो मुश्किलों का सामना करते हैं, उसके जरिए से परमेश्वर हमें लगातार उसके और करीब दिखले आता है। Even in the book of Daniel it is written, those who know their God in the last days will be strong and do exploits. और दानियल की पुस्तिका में ऐसा लिखा है कि जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वो अचंभे के काम और बड़े बड़े काम करने वाले हैं। So as the coming of Christ comes near, we are seeing persecution is going to come up, deception is going to come up, so many things are going to be there which even the elect, if it's possible, will be deceived. और जैसे हम जानते हैं कि मसीह का आगमन जिस तरह से और करीब और निकट आते रहता है, वहाँ पर पवित्रता बढ़ने वाली है, उसी के साथ साथ धोखा भी बढ़ने वाला है, और जो लोग पवित्र के परमेश्वर के बुलाए गए लोग हैं, यदि वो भी परमेश्वर में नहीं है, वो भी धोखे में आ सकते हैं। So the secret is to know God intimately, to know the Father, to know Jesus Christ, and to know Holy Spirit intimately. और ये राज की बात ये है कि सबसे महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर पिता को हम बहुत ही करीबी से जाने, यीशु को बहुत करीबी से जाने, और पवित्र आत्मा की संगति में बहुत करीबी से रहें। And if we know Him intimately, one by one, the sins will begin to drop off. We'll be able to overcome these sins because we have a higher joy, a higher love, which is the Father's love. और जैसे जैसे हम लगातार परमेश्वर के करीब और अधिक आते रहते हैं, वैसा ही पाप जो है हमसे निकलते हुए छूटते चला जाएगा, और फिर वो ऊंचा प्रेम और ऊंची बुलाहट में और अधिक हम बढ़ते जाएंगे। Why do we love certain sins so much? Why do we keep falling into them? Because inwardly we love that sin, we have a pleasure from that sin. कई ऐसे पाप है जिसे हम इतना प्रेम करते हैं और उसके खिंचाव में अधिक खींच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंदर ही अंदर हमको उसका मजा लूटने में अच्छा लगता है। So when we have a higher pleasure, which is to know Jesus Christ, to know His love, His mercy, His loving kindness, we will begin to hate sin because we know what sin did to Jesus. और लेकिन यदि जैसे हम परमेश्वर के करीब आते हैं और मसीह की उस दया, उस करुणा और उसके आनंद को चखने लगते हैं, तब जो है हमारे दिल में पाप के लिए वो नफरत पैदा होने लगता है। So let us make it a prayer if it has spoken to you. Lord, I want to know you intimately. Every day I want to know you more and more so that I can become more and more like you. यदि ये वचन आपसे बात कर रहा है तो आप इस प्रार्थना को खुद का प्रार्थना बना ले कि परमेश्वर, मैं तुझे और करीबी से जानना चाहता हूँ, तुम्हें और अधिक जानना चाहता हूँ, कि मेरे अंदर में जो बातें हैं तू जिससे प्रसन्न नहीं है वो बातें मुझसे निकल जाएं। And then the Holy Spirit will begin to show us Jesus in different circumstances, in different situations. And He will transform us to be like Jesus day by day until He comes back again. और फिर पवित्र आत्मा कार्य करेगा कि सारे हालात जो हमारे आसपास में हैं, लोगों के जरिए से, कि वो हम यीशु मसीह के स्वभाव में बनते जाएं, दिन प्रतिदिन यीशु के समान हम बनते जाएं। Thank you, praise God. परमेश्वर की स्तुति हो।